गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स आर अस। बच्चों, सीनियर केजी की क्लास में आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मैं आज आपको दिस और दैट के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। दिस यानि कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, यानि यह हो। और कोई चीज़ हमसे दूर हो, डिस्टेंस में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट, यानि वह। तो आज हम दिस दैट के बारे में हमारी जो इंग्लिश नोटबुक है उसमें लिखेंगे और जानेंगे। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको किस तरह से ये समझना है बच्चों। तो बच्चों, मैंने आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दिस एंड दैट, आपको भी इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी बुक है उसमें दिस और दैट लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस, दिस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखा है THIS, दिस। दिस यानी यह, मतलब कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, दिस यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है दैट, दैट यानी फार, यानी हमसे कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट यानी वह, जैसे कि मैं बोलूँगी कि यह पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल मेरे हाथ में है, तो मैं बोलूँगी कि यह पेंसिल है। और ब्लैक बोर्ड मुझसे दूर हो तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड। तो जो चीज़ हमारे नज़दीक हो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमसे दूर हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पहले दिस। तो सबसे पहले हमें लिखना है THIS, दिस। दिस यानी क्या होता है बच्चों, दिस यानी यह, नज़दीक, ठीक है। जैसे कि यह पेंसिल है, मेरे हाथ में है इसलिए मैं बोलूँगी कि यह पेंसिल है, ठीक है। अब है यहाँ पे दैट, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे THAT, यानी दैट। दैट यानी वह, जो हमसे दूर हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, वह। तो अगर ब्लैक बोर्ड मैं हूँ और ब्लैक बोर्ड काफ़ी दूर है मुझसे, डिस्टेंस में, तो मैं क्या बोलूँगी कि दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो उसी तरह हमें दिस और दैट का यूज़ करना है। तो दिस के लिए हम लिखेंगे THIS, दिस। दिस यानी यह, तो आपको ऐसे लिखना है, बोलना है और साथ में लिखना है। आपको लिखना है THIS, दिस। दिस यानी यह, यह पेंसिल है, ठीक है, यह नोटबुक है, यह टेक्स्ट बुक है। इसी तरह आपको दिस के बारे में जानना है, ठीक है। जो चीज़ आपके नज़दीक हो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, दिस, और जो चीज़ आपसे दूर हो उसके लिए आप यूज़ करोगे दैट। तो हम लिखेंगे THAT, दैट। दैट यानी वह। THAT, दैट। दैट यानी वह। तो अगर मुझे बताना हो दूर की कोई चीज़, जैसे कि मैं बताऊंगी कि पेड़ मुझसे दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज़ अ ट्री, ठीक है, दैट इज़ अ टीवी। जो चीज़ मुझसे दूर हो उसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं उसके लिए दैट यूज़ करूंगी, और जो चीज़ मुझसे नज़दीक में है, मेरे पास में है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगी, दिस। तो मैं बोलूंगी कि यह पेंसिल है, वह पेड़ है, ठीक है। फिर अगर मेरे पास फ्लावर पॉट है तो मैं क्या बोलूँगी, यह फूलदानी है। और अगर मुझसे दूर है टीवी या फैन, तो मैं क्या बोलूँगी कि वह पंखा है, वह टीवी है। तो इसी तरह दिस इज़ अ पेंसिल, ठीक है, दिस इज़ अ फ्लावर पॉट। तो ये दिस यानी यह, नज़दीक हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और दैट, तो दैट इज़ अ टीवी, दैट इज़ अ ट्री। तो दैट मतलब दूर है, ठीक है ना, फार है, डिस्टेंस में है, तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं बच्चों।
तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि दिस यानी यह और दैट यानी वह, तो इसी तरह आपको लिखना है और चीज़ों को पहचानना है कि आपके नज़दीक जो चीज़ है उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे और आपसे दूर जो चीज़ है उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे। ठीक है ना बच्चों? तो आज हमने सीनियर के जी की क्लास में क्या पढ़ा है, आज हमने सीनियर के जी की क्लास में इंग्लिश ग्रामर में दिस एंड दैट पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।